अहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक भाई ने कहा हमने देखा कि सांप है, सांप बहुत मुनव्वर हो लेकिन उसको पकड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसकी ताबीर क्या होगी? सांप को ख़त्म कर देना या उसको टुकड़े कर देना या उसको मार देना, इसका मतलब है दुश्मन को मार दिया, दुश्मन के टुकड़े कर दिए, दुश्मन को बेनाम व निशान कर दिया, दुश्मन का वार नाकाम कर दिया। अल्लाह हर मेरे भाई मेरे बहन को दुश्मनों से महफूज फरमाए, हासिदीन से महफूज फरमाए, बुरे लोगों से महफूज फरमाए और शैतान से भी महफूज फरमाए, शैतान की चालों से भी और गुनाहों से, गुनाहों के वबाल से भी महफूज फरमाए, कबूलियत अता फरमाए, कबूलियत तमाम अता फरमाए। एक बहन ने कहा मैं देखा कि वो चर्बी खा रही है, चर्बी अगर कोई जमा करता देखे भाई या बहन इसका मतलब है हराम माल जमा कर रहा है, लेकिन चर्बी खाता देखे तो इसका मतलब मुसीबत है, दुख तकलीफ बीमारी है। तो तय कर लीजिए कि अगर ऐसा कोई भाई या बहन ख्वाब में देखे तो इसका मतलब ये है कि फौरी तौर पर सदका करे, अल्लाह की तरफ तवज्जो दे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह की नाराज़गी को दूर करे और सदका करके सदका अपनी इस्तेआत के मुताबिक करे और अल्लाह की तरफ तवज्जो भी दे और तौबा कर ले। अल्लाह हर मेरे भाई मेरे बहन को नाफरमानी से महफूज फरमाए, मुसीबतों से दूर फरमाए, कबूलियत तमाम आमन नसीब फरमाए, अपना खास खास करम फरमाए। इसी तरह एक भाई ने ख्वाब में देखा कि वो ज़िरह तैयार कर रहा है कि मुकाबला करना है कि लड़ना है दुश्मन के साथ, ज़िरह तैयार करना है इसके मतलब एक कौम का सरदार बनेगा और अल्लाह इसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा कर देंगे, इसके वक़ार में इजाफ़ा कर देंगे। तो अल्लाह हर मेरे भाई मेरे बहन की इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाए, वक़ार में इजाफ़ा फरमाए, कौम की सरदारी नहीं दुनिया और आखरत की सरदारी अता फरमाए, दोनों जहानों की सरदारी अता फरमाए, कबूलियत तमाम आमन नसीब फरमाए, अल्लाह हर परेशानी से बचाए, हर गुनाह से दूर फरमाए और हर शरीर आदमी से, बुरे आदमी से, शैतान से भी महफूज फरमाए, अपना ख़ास क़ुर्ब और ताल्लुक नसीब फरमाए। आइए तय कर लीजिए कि रोज़ाना का हमारा ये बस मैसेज, रोज़ाना के मुख्तसर सा पैगाम, रोज़ाना के ये छोटे छोटे बयानात खालिस इस्लाह के लिए, तरबियत के लिए, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, बेहतरी के लिए। आइए इसमें अपने इस्तेआत के मुताबिक किरदार अदा कीजिए। मेरा हर भाई मेरे बहन जिस भी जिस ग्रुप में है अपने ख़ास ग्रुप बनाए जिसमें अपने रिश्तेदार, अपने अजीज व कारब, अपनी फैमिली, अपने घर, अपने गैदरिंग के लोग हों, उनमें ये रोज़ाना ख़ुद भी सुने, दूसरों को सुनाएं, ख़ुद भी अमल करें, दूसरों को भी कराएं, यकीनन इसमें बहुत बेहतरी आएगी, अच्छाई की तरफ आएंगे, भलाई की तरफ आएंगे, साहिब अमाल बनेंगे, साहिब किरदार बनेंगे। अल्लाह हर मेरे भाई मेरे बहन को कबूलियत तमाम अता फरमाए और इसमें इस्लाही और तरबियती काफ़िले में शामिल होने की और इसमें किरदार अदा करने की तौफीक अर्फ़ा।